तो 8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइडर स्टोरी इस शो में आगे आप जानने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राजनीति के गलियारों में सितंबर में क्या कुछ बड़ा होने की चर्चा है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक का सबसे गर्म मुद्दा क्या है, यह भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली में G20 बैठक से शी जिनपिंग ने क्यों कन्नी काट ली, जिनपिंग ने पुतिन की राह चुनी है क्या, और 39 घंटे के बाद इसरो फिर चौंकाने वाला है, दुनिया की नजरें फिर से इसरो की ओर क्यों हैं, इसकी डिटेल रिपोर्ट आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस सवाल की जिसने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी, और सवाल यह है सितंबर के तीसरे हफ्ते में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। तारीख 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023, जगह देश की नई संसद, मौका संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तान सरकार को अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर संसद का मानसून सत्र खत्म होने के एक महीने के भीतर ही संसद के विशेष सत्र की नौबत क्यों आई? क्या सितंबर महीने में कुछ बड़ा होने जा रहा है? आखिर मोदी सरकार क्या करने जा रही है, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन गुरुवार को दोपहर 3:18 पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का ट्वीट आया और अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। खुद सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों तक को खबर नहीं थी कि आखिर अचानक सरकार ने संसद के विशेष सत्र की तारीख क्यों मुकर्रर कर दी। मुझे अभी बिल्स के बारे में तो जानकारी नहीं है, मुझे भी अभी संसद टीवी के माध्यम से ही पता लगा है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और जब संसद का सत्र शुरू होता है तो निश्चित रूप से सभी सांसद उसमें पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, जो भी विषय होगा उसकी सूची आ जाएगी और उस हिसाब से तैयारी करके सब लोग जाएंगे। तो फिलहाल किसी को नहीं पता कि संसद के विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के ट्वीट से बस इतना पता चला, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होगा। इस विशेष सत्र के दौरान संसद की 5 बैठकें होंगी। ये है कि जो पांचों इलेक्शन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, तो पॉलिटिकली कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पार्लियामेंट को उसके पहले करना हो, फिर स्पेशल सेशन बुला करके कोई बहुत ही अर्जेंट जो लेजिस्लेटिव वर्क है गवर्नमेंट करना चाहती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि असेंबली के इलेक्शंस के साथ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन। कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार ने मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए विशेष सत्र बुलाया है। उस सेशन में एक ही विषय होगा, अडानी पर JPC, तो वो चलता रहेगा। फिलहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन क्या ऐसी अर्जेंसी है, सरकार इसकी बारे में जानकारी देगी। चर्चाएं इसलिए भी जोर पकड़ रही हैं क्योंकि इससे पहले संसद का विशेष सत्र सिर्फ 4 मौकों पर बुलाया गया, 28 फरवरी 1977 से 1 मार्च 1977 राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी गई, 3 जून 1991 से 4 जून 1991 राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई, 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 आजादी के 50 साल पूरे होने पर बुलाया गया, 30 जून 2017 GST पर स्पेशल मिडनाइट सेशन बुलाया गया। पार्लियामेंट के इतिहास में कभी भी त्योहार के समय, वो नवरात्रि हो या गणपति हो, पार्लियामेंट का सेशन कभी हुआ नहीं। अब इन्होंने गणपति के त्योहार में सब पूजो त्योहार से भी गणपति की आराधना करने के जो कार्यकाल होता है उस 11 दिन में इन्होंने अपना अधिवेशन लगाया, ये इनका हिंदू। संसद का ये विशेष सत्र दिल्ली में होने वाली G20 देशों की शिखर बैठक के एक हफ्ते के बाद होने वाला है। वैसे अब से पहले जब भी संसद का विशेष सत्र हुआ उसकी कोई ना कोई विशेष वजह भी रही, लेकिन इस बार क्या स्पेशल है ये अभी पहेली है। संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और सभी नेताओं को सत्र के दौरान
दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। उधर मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक आज शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या विपक्ष इस बैठक में मोदी के खिलाफ एक चेहरे पर सहमति बना पाएगा। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि बैठक से पहले ही तमाम पार्टियां अपने नेताओं को विपक्ष का गठबंधन का चेहरा बता चुकी हैं। पटना से चला विपक्षी एकजुटता का कारवां बेंगलुरु होते हुए मुंबई पहुंच गया है। मुंबई में विपक्षी दिग्गजों का जमावड़ा है। मुंबई में विपक्षी दिग्गज 2024 की नीति और रणनीति पर माथापच्ची करेंगे। दो दिनों तक विपक्ष के दिग्गज आखिर किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में बात बन सकती है? सूत्रों के मुताबिक मुंबई में हो रही बैठक में गठबंधन का लोगो तय हो सकता है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है, गठबंधन के लिए सचिवालय बनाने पर चर्चा हो सकती है, गठबंधन के लिए प्रवक्ताओं के नाम तय हो सकते हैं, अपनी मीडिया और सोशल मीडिया टीम बनाई जा सकती है, राष्ट्रीय एजेंडा तय करने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है, प्रचार के लिए साझा मुद्दे तलाशने पर चर्चा हो सकती है, साथ ही गठबंधन में शामिल दलों के साझा कार्यक्रम भी तय किए जा सकते हैं। बैठक के इस एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा गुम है, यानी गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। संयोजक के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चली थी, नीतीश इनकार कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की भी चर्चा है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी इंडिया गठबंधन की बैठक में, और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये अलायंस की मीटिंग में तय होगा, संयोजक कौन होगा वो भी अलायंस की मीटिंग में तय होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी वो भी इसी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होगा। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें, तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के उसके खिलाफ है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेता तय करने की है। ये चुनौती कितनी बड़ी है इसे ऐसे समझिए, बैठक शुरू होने से पहले ही गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेता के नाम का दावा ठोक दिया। सांताक्रूज इलाके में है मुंबई के, उस जगह पर जहां से सटे वो होटल है जहां बैठक होनी है। और देखिए, नीतीश कुमार को पीएम बनाने और नीतीश की पीएम दावेदारी को पेश करते हुए जेडीयू के स्थानीय नेताओं ने इस तरह के होर्डिंग लगाए हैं जिसमें नीतीश की मुस्कुराते हुए तस्वीर है और लिखा है देश मांगे नीतीश। अब सवाल ये, गठबंधन का संयोजक कौन होगा? मोदी के खिलाफ गठबंधन का चेहरा कौन होगा? क्या बैठक में किसी एक चेहरे पर बात बनेगी? ये सवाल बड़े इसलिए हैं क्योंकि मुंबई में बैठक शुरू होने से एक दिन पहले ही गठबंधन में शामिल कई पार्टियों ने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए अपने अपने नेताओं का नाम उछाल दिया। लेकिन हमारी पार्टी कोई क्लेमेंट नहीं। मुंबई बैठक की मेजबानी उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना कर रही है, इसीलिए मुंबई में ये पोस्टर भी देखने को मिले। हालांकि गठबंधन की गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए मुंबई बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। मुंबई की बैठक में 400 से ज्यादा सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के सामने सवाल बड़े हैं, इसीलिए नजरें मुंबई की बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक से 2024 के संग्राम की कोई तस्वीर निकलेगी? देखिए, देश में विपक्ष मुंबई रूट के जरिए दिल्ली विजय की रूपरेखा बना रहा है। इधर दिल्ली में होने जा रही G20 शिखर बैठक से अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किनारा कर लिया, पहले पुतिन और अब जिनपिंग। आखिर दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की इस ना के क्या मायने हैं? G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली सज गई है। आखिरी दौर की तैयारियां जोरों पर हैं। जिन होटल्स में
इंटरनेशनल डेलीगेट्स ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की छत पर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे गए। इस बीच खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। जिनपिंग दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि G20 शिखर सम्मेलन में नहीं पहुंच रहे हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भी इस अहम बैठक में नहीं पहुंचने की तस्दीक हो चुकी है। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कथित वॉर क्राइम्स के बारे में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। G20 में पुतिन के गैर हाजिर रहने का उस वारंट से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है या नहीं है ये साफ नहीं है, लेकिन जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं ये रहस्य बना हुआ है। ऐसे में रास्ता ये निकाला गया तो पुतिन की जगह भारत आएंगे उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग अपने देश की नुमाइंदगी करेंगे। दिलचस्प बात ये, भारत आने में असमर्थता जताने वाले पुतिन ने अक्टूबर महीने में चीन की यात्रा करने की हामी भर ली है। वैसे जिनपिंग अगर आते तो G20 की मीटिंग के दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से भी मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन जिनपिंग ने कदम पीछे खींच लिए। आखिर जिनपिंग ने ऐन वक्त पर ऐसा क्यों किया इसकी आधिकारिक तौर पर कोई वजह नहीं बताई गई है। राष्ट्रपति पुतिन अब कह दिए कि वो आएंगे नहीं इस कॉन्फ्रेंस में, वो विदेश मंत्री लावरोव को भी जाएंगे और पुतिन नहीं आएंगे तो उसके बाद अभी सुने आ रहा है कि शी जिनपिंग नहीं आएंगे। पुतिन के आने की वजह ये है कि हो सकता है कि वो यूक्रेन की उलझनों में व्यस्त है। G20 की शिखर बैठक में जिनपिंग की गैर मौजूदगी की खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि चीन भारत के खिलाफ चालबाजियां कर रहा है। चीन ने 28 अगस्त को एक नया नक्शा जारी किया जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन इन दोनों को चीनी सीमा में दिखाया गया। G20 की मीटिंग से पहले चीन की शातिराना हरकत पर भारत माकूल जवाब दे चुका है। ऐसे में जिनपिंग अगर भारत आते तो इस विवाद की छाया भी जरूर दिखती। चीन पर हमला करने के बाद पिछले वर्ष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रशिया दुनिया में एक तरह से कुछ अलग थलग पड़ गए हैं। पूरे विश्व में बेलारूसिया के अलावा कोई उनके इस एक्शन का समर्थन नहीं करता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले हफ्ते ब्रिक्स देशों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका गए थे लेकिन G20 से उन्होंने दूरी बना ली है। बहरहाल भारत में पहली बार हो रही G20 की शिखर बैठक की तैयारियां जोरदार हैं। ठीक मेरे सामने तो आपको यहाँ पर सभी गाड़ियां नजर आएंगी, जो भी आप देखिए तस्वीरों में, गाड़ियों में G20 के स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। ये BMW ऑडी वो गाड़ियां हैं जो इस वक्त मॉक ड्रिल में पालम एयरपोर्ट जाएंगी और वापस सिक्योरिटी से लेकर हर चीज का जायजा लेते हुए यहाँ पर आएंगी। इसका इंतजार दिल्ली कई महीनों से कर रही है, कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही है और अब ये तस्वीरें, ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस बात की गवाह है कि हम पूरी तरीके से तैयार है इंटरनेशनल डेलीगेट्स को वेलकम करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन के लिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज दिल्ली। G20 की बैठक में दुनिया के तमाम दिग्गज भारत की जमीन पर होंगे और तब दुनिया की नजर भारत पर होगी। वैसे 39 घंटे के बाद फिर दुनिया भारत की ओर देख रही होगी और वजह होगा भारत का सूर्य मिशन। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद अब 2 सितंबर को इसरो सूरज के रहस्य जानने का मिशन लॉन्च कर रहा है। चांद के रहस्यों से पर्दा उठाते रोवर प्रज्ञान की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। रोवर प्रज्ञान चांद के साउथ पोल रीजन में चहलकदमी कर रहा है, चांद की नई जानकारियां जुटा रहा है। वहीं जमीन पर इसरो चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद सूर्ययान की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। सूरज की स्टडी के लिए सूर्ययान आदित्य L1 मिशन को शनिवार यानी 2 सितंबर को लॉन्च करेगा। आदित्य L1 सूरज की स्टडी के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी होगी। इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए 24 घंटे सूरज पर नजर रखी जाएगी। सूरज से निकलने वाली गर्मी
और गर्म हवाओं की स्टडी होगी। आदित्य L1 सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सूर्ययान आदित्य L1 को सूरज के करीब लैग्रेंज पॉइंट 1 पर तैनात किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में सूर्ययान को 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी मास नहीं है, वो एक वैक्यूम का पॉइंट है और उस पॉइंट के चारों तरफ हमें हमारे आदित्य मिशन को घुमाना है। आदित्य मिशन जब वहां पर रहेगा तकरीबन 5 साल की जो ये पूरी ड्यूरेशन है इस मिशन की, तब वो सूरज को हर सेकंड पढ़ेगा। सूरज को हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सूरज जो है वो स्पेस वेदर को कंट्रोल करता है। सूर्ययान अपने साथ अंतरिक्ष में 7 पेलोड लेकर जाएगा। पेलोड VELC सूरज की HD फोटो लेगा, साथ ही ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरिमेट्री भी करेगा। पेलोड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा। ये सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। पेलोड सोलेक्स सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड और लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये 7 पेलोड सूरज के फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर यानी सूर्य की ऊपरी सतह, कोरोना यानी सूर्य की सबसे बाहरी परत की स्टडी करेंगे। आदित्य के ऊपर जो अलग अलग पेलोड्स लगे हैं उनमें से कुछ पेलोड जो है वो सूरज को विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, इन तीनों रेंजेस में पढ़ेंगे और उसको एज ए स्टार पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं। जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, वैसे ही सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के रहस्यों की स्टडी करेगा। इस स्टडी से सूरज के बदलते मोड के रहस्य का खुलासा होगा, साथ ही स्पेस के मौसम को समझने में भी मदद मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी दी इनसाइड स्टोरी में। आज फिलहाल इतना।